अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट चीमा भाई और आप देख रहे हैं केस टीवी। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो ये लोग हिजरत करके आते हैं, बालाकोट वगैरह से हिजरत करके आते हैं, मुख्तलिफ मौसमों में हिजरत करके आते हैं और बकरियों के रिवर रखे होते हैं, इनके लिए ये कितनी मेहनत करते हैं, कितने कुछ करने के बाद ये जो है ना ये इतना कुछ पाते हैं। इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें बकरियों का रिवर, ये इनके लिए सब चीज़ें हैं। सैनमा भी इनका यही है और इनकी जो गाड़ियाँ हैं, मोटरें हैं, वो गधा गाड़ी खोते वगैरह इनके मोटर की जगह काम लेते हैं। तो आज मैं इन लोगों से मिलवाऊंगा, इनकी ज़िंदगी के अहवाल आपको बताऊंगा, इनकी ज़िंदगी के दस्ताना बताऊंगा कि ये किस तरह काम करते हैं और कितनी मशक्क़त के बाद काम करते हैं। तो चले पहले हम आपसे आपको इनसे मिलवाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, किस तरह के फंक्शन के साथ होते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या है जनाब? ठीक हो? हाँ, तुम दसो जी जनाब, तुम जिहड़े बकरियों का काम करते हो, ठीक है, ये तुम कितने महीने में तला आंदे हो, क्या सिस्टम होता है? भाई 12वें महीने में। 12वें महीने में तुम तला आंदे हो? अच्छा, बकरियों के कितनी मेहनत करनी पैंदी है, कितनी मेहनत तो बाद तुम बकरियां जरा ना सा कुछ देंदियां ने, कोई फायदा हासिल कर? साल तो बाद इन मुख्तलिफ बीमारियां भी लगदियां ने ना? बीमारियां ना, रंग बिरंगी बीमारी लगदी भाई। हूँ तुम मुख्तलिफ रेबड़ होंगे, तुम सुना है कि दो बंदे इकट्ठे रेबड़ लाते हो, उन्होंने फिर अलग अलग निशानियां, मेरा ख्याल अलग पहचान होती है, ठीक है, पहचान वगैरह होती है, उन्होंने बीमारी लग जुड़े, ठीक है। इसने कि बीमारियां होंगे जानवरों दिन? इन बीमारियों मोखर होंगे, मई आते बुढ़ी आते कालजी आते कालजा सोजुलते जमा कर दो ਟਾਕੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਖਰੀਦਨੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦਾ ਇੱਕ ਬਸ ਜਈ ਜਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਸੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਨੇ ਕਹੂ ਹੁੰਦਾ ਤੰਬੜ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਤੰਬੜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿਆਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾ ਸਰਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਗਰ ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਨੀ ਉਸ ਸੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਨੀ ਜਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਨੀ ਜਾ ਅਸੀਂ ਚਕੁਲਕਾ ਛੋੜਨੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਰਪਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਜਾ ਸੁੱਕੀ ਬਰਾ ਛੋੜਨੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਵੜ ਕਿੱਥੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਵੜ ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਰੇਵੜ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਵੜ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰੇਵੜ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਚਲੀਏ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾ ਰੇਵੜ ਕੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਇਹ ਇਨਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਰ ਇਨਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਲਤੀ ਹੈਂ ਇਨਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਰ ਚਲਤੀ ਹੈਂ ਇੱਕ ਸੀਧ ਮੇਂ ਚਲਤੀ ਹੈਂ ये सीध में चलाने के लिए आप इनके क्या करते हैं, क्या तरीका है? इनकी रटिंग होती है, टाली होती है, जिससे ना बच्चों को अस्पताल से घूम इकट्ठा करते हैं। इस तरह हम बवाल करते हैं, ये भी इकट्ठा हो जाता है। आप कैसी वो कौन सी आवाज़ निकालते हैं जिससे एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं? बस ये आवाज़ अपनी अपनी आवाज़ है ना, मसलन बस हम खींची मारते हैं और टाली बचाते हैं, बस माल इकट्ठा हो जाता है। देख सकते हैं कि इंसान से ज़्यादा ये जानवर वफादार हैं कि एक सीटी पर ये अपने मुकाम पर अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पता होता है कि हमने कहां पहुंचना है, कहां जाना है। इनकी रोज़ की रूटीन बन चुकी होती है कि इस रास्ते से हमने जाकर जाना है और इस रास्ते पर हमने पहुंचना है, यहां हमने स्टे करना है, यहां चलना है, ठीक है। इन्हें हर चीज़ की जो है ना मालूमात होती है और उस चीज़ से ये जानवर आगे पीछे नहीं होते। ये टैलेंट, ये इनकी महारत है, लेकिन चूँकि लोग इनको तवज्जा नहीं देते जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट मौजूद है। तो चेक कर सकते हैं, ये इनका रेवर है, ये रेवर चेक कर सकते हैं, रेवर पर कैमरा लगाएं। अभी मुख्तलिफ जगहों पे ये रेवर इनका, ये बकरियों का रेवर है और दूसरे रेवर इनके नीचे गए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएँगे।
ये चेक कर सकते हैं आप। ये चेक करें। ये इशारे पर चेक कर सकते हैं आप कि कैसे बकरियां देखें एक जगह जमा होने चुकी हैं। देख सकते हैं ये इनके वाह, इनके मुख्तलिफ रेवड़ है, वो सामने पहाड़ पे भी देख सकते हैं इनके रेवड़ है। ठीक है, ये बकरियां देख सकते हैं, ये देखें बकरियां कैसे एक जगह इनके सिर्फ एक इशारे पर ये चेक कर सकते हैं ये बकरियां आ रही है। खुद ब खुद देख लें कैसे वो वहां से देख लें जहां चोटियों से दूर दूर से बकरियां सिर्फ इनके इनके मुख्तलिफ रेवड़ है, वो सामने पहाड़ पर भी देख सकते हैं इनके रेवड़ है। ठीक है, ये बकरियां देख सकते हैं, ये देखें बकरियां कैसे एक जगह इनके सिर्फ एक इशारे पर ये चेक कर सकते हैं ये बकरियां आ रही है। खुद ब खुद देख लें कैसे वो वहां से देख लें जहां चोटियों से दूर दूर से बकरियां सिर्फ इनके एक इशारे पर देख लें कैसे वापस आ रही हैं। ये चेक करें, ये वफादारी है जानवर की, चेक कर सकते हैं आप, ये चेक करें। वाह, ये देखें, ये बादशाह है जो ये चरवाया एक बादशाह की मानद है कि ये इसकी जो है ना ये इसकी सल्तनत है। देखिए सल्तनत के लोग कैसे एक इशारे पर इनके जमा हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके रहायशी निज़ाम जो होता है ना, जो रहायशी निज़ाम होता है इनका, वो चुकियों की सूरत में होता है। इन्होंने कभी महल नहीं बनाया, कभी कोई चीज़ नहीं बनाई, कोई आलिशान महल नहीं बनाए। इनका बस यही है कि सफ़र सारी ज़िंदगी सफ़र में गुजर जाती है और जहाँ जाते हैं एक झुग्गी से बनाकर उसमें ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है कि ज़िंदगी महलों में नहीं गुजारी जा सकती, आप अगर आम से घर में भी ज़िंदगी गुजार लें तो ज़िंदगी गुजर जाती है। ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के लिए महलों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत होती है। ये चेक कर सकते हैं, इन्होंने बकरियों को मोहब्बत दी है, प्यार दिया है। देखें एक इशारे पर कैसे इनके पास जमा हो चुकी हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है, ये हमें ज़िंदगी में मोहब्बत का जो है ना दर्स देते हैं। ठीक है, मोहब्बत का दर्स देते हैं कि मोहब्बत करोगे तो जानवर भी आपके अपने हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मोहब्बत जानवरों से करते हो वो भी आपके अपने हो जाते हैं। तो ये आपने ये सब चीज़ें की है, देखने कैसे जानवर जमा हो गए, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये क्यों उस तरह इस जगह जमा हो चुके हैं? ये एक जगह हमारी बात पहचानता है, अरे हमारा बंदा है, हमको बुला दिया। वाह देख, ठीक है, तो अब आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कैश टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ को जो है ना देखने के लिए आप बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए। और मैं हूँ आपका होस्ट चीमा भाई, तो नेक्स्ट एपिसोड में आप इंसान को बुलाते हैं, इंसान नहीं आता हमारे, बाकी कैसा है देखना। हाँ, इंसान को आके ये इंसान आजकल वैसे नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देख लें कि जानवर इंसान को वफादारी का दर्स दे रहे हैं आज। ठीक है, तो वफादारी सीखें आप इन जानवरों से। मैं हूँ आपका होस्ट चीमा भाई, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक नए मुकाम पर और नए जो है ना रिजल्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।